निजामाबाद में सहाफियों का जबरदस्त एहतजाज। सहाफियों के देरना हिल तलब सलगते मसाइल को मरकजी व रियासती हुकूमतों से मनवाने के लिए गांधी चौक निजामाबाद में जिला वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन निजामाबाद के जेर एहतमाम सहाफियों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और महात्मा गांधी जी के मुजस्मा को 12 निकात पर मुश्तमिल मतालिबात पर मुबनी मेमोरेंडम हवाले किया। उस एहतजाजी प्रोग्राम की क्यादत निजामाबाद जिला जर्नलिस्ट यूनियन TUWJIJU सदर बबूबली नरसिया, जनरल सेक्रेटरी एसाइलो ने की। उस एहतजाजी प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खसूसी रियासती तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJIJU एग्जीक्यूटिव कमेटी मंबर अहमद अली खान व अराकीन के अलावा परंट व इलेक्ट्रॉन कोर सोशल मीडिया से वाबस्ता सहाफियों ने मतहदा तौर पर शिरकत की। उस मौके पर TUWJIJU कायदीन के अलावा दीगर सहाफियों ने खिताब किया। सहाफियों की जानिब से इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और IJU इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन TUWJ की अपील पर सहाफियों के देरीना मुतालिबात को मनवाने के लिए भी हम आज पुरजोश एहतजाज मुनज़िम किया है गांधी चौक पर निजामाबाद में और हम महात्मा गांधी को 12 रुकात पर मुश्तमिल मुतालिबात के तहरीरी इजाजत भी पेश किए। लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमतों ने साथियों के लिए हमेशा नज़रअंदाज करते रहे और इनके जायज मुतालिबात को नज़रअंदाज किया गया, जबकि कोरोना जैसे मौलिक वबा के दौरान कई साथियों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी और इनके अफराद ख़ानदान को कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। हम जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से ये मुतालबा करते हैं कि कोरोना से मुतासर खानदानों को फीकस 10-10 लाख रुपये इसके लिए शेयर दिया जाए और फ्रंट लाइन जंगलों के निशाने के तौर पर इनकी शनाख्त की जाए। इसी तरह वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए बीमा स्कीम के तहत 50 लाख रुपए सहूलत फराहम की जाए। इसी के साथ साथ हाउस साइड्स, डबल बेडरूम और दिगर मुतालबात जो भी हैं उसको पूरा करने के लिए हुकूमत फौरी इकदाम करें। अगर इन मुतालबात को हुकूमत नज़रअंदाज करती रहेगी तो आने वाले वक्त में रियासती और मरकजी हुकूमतों को अपने अंजाम को पहुँचना होगा और इसका खमियाजा भुगतना होगा। हम जर्नलिस्ट यूनियन अपने मुतालबात की मनवाने तक इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। अगर हकीकत में देखा जाए तो 24x7 ये सिर्फ सहाफी है जो 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के हर रोज तैयार रहते हैं और जिले इंतजामे की तर्ज पर वो अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। आप देखें, बारिश हो, गर्मा हो, बीमारी हो या फिर फसाद हो, वबा हो, जो भी हो, हर वक्त सहाफी सड़क पर रहते हैं और अवाम के लिए, अवाम और जिला इंतजामे हुकूमतों के दफ्तर एक पुल का काम करते हैं। इसके बावजूद हुकूमत सहाफियों को मुसलसल नजरअंदाज करती आ रही है, जिसका यहाँ पर तमाम सहाफियों ने सख्त मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरन उनके देरीना मसाइल को हल किया जाए। बस दिगर सहाफी सड़कों पर उतरेंगे और अपना शिद्दत के साथ एहतजाज जारी रखेंगे। One justice.